हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा हुआ था जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, दैट इज रिलेटेड विद द फिजियोग्राफी ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो उसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की। फिर उसके बाद से हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में देखा हुआ है। इनफैक्ट रिसोर्स के बारे में कुछ और भी लेक्चर्स आपके बचे हुए हैं, जैसे कि एटॉमिक रिसोर्सेज को लेकर के, बायो रिसोर्स को लेकर के, और साथ ही साथ में हाइड्रो और जितने भी बाकी सारे रिसोर्सेज हैं वो हम लोग सब्सिक्वेंट क्लासेस में देखते रहेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडस्ट्री का चैप्टर, और ये इंडस्ट्री में अगेन हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग वन बाय वन करके सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स and these are available courses on YouTube. These are prelims special course, mains special and test series based on subscription. Current affairs के test series और geography optional के test series के लिए आप लोग अगर चाहे तो आप फिर इसे subscribe कर सकते हैं। Syllabus wise अगर देखा जाए industry के chapter को लेकर के, तो यहाँ पर सबसे पहले जो topic आता है वो आता है locational factor of cotton, जूट, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड ऑल दैट, बाकी सारे के सारे। इसके अलावा यहाँ पर एक और टॉपिक होता है, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स है, लाइक इंडस्ट्रियल हाउसेज, इंडस्ट्रियल रीजनलिज्म, फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मल्टीनेशनल लिबरलाइजेशन, SEZ, टूरिज्म और बाकी इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर के। हम लोग देखेंगे किस तरीके से कॉलोनियल एरा में क्या डेवलपमेंट हुई थी और उसके बाद से आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या डेवलपमेंट हुई है। इस डेवलपमेंट में हम लोग 5-year plans को लेकर के चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से वन बाय वन अलग अलग 5-year plans में क्या डेवलपमेंट हुई है। फिर उसके बाद से हम लोग बात करेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई हैं। एक चीज यहां पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए ये टॉपिक कंटेम्प्ररी टॉपिक है एंड दैट इज वाई आपको लगातार इसे करंट अफेयर्स के साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां पर सीन ये होता है कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि रिसेंट के इयर्स में आयरन इंडस्ट्री या फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या कोई एक इंडस्ट्री बैडली परफॉर्म कर रहा है या उसको जो है किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है और गवर्नमेंट कहां तक रिस्पॉन्सिबल है, इन सारी चीजों को लेकर के अगेन क्वेश्चन बन सकता है और इसी वजह से करंट अफेयर्स के टच में रहना आपके लिए काफी जरूरी है। द ओनली थिंग विच डिफ्रेंशिएट दिस टॉपिक फ्रॉम द जीएस टॉपिक, इसे जीएस और ज्योग्राफी ऑप्शनल से अलग करने के लिए केवल आप ये कर सकते हैं कि जितने भी आप लोगों ने मॉडल्स एंड थ्योरीज के बारे में पढ़ाई की है केवल उसे यहां पर आपको इंटीग्रेट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडस्ट्रीज को लेकर के अगर बात किया जाए तो आप रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को लेकर के आप चीजों को देख सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा जब हम लोग इस लोकेशनल फैक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगेन एक बार रिवीजन के लिए केवल आप लोगों को बोलूंगा कि मैं वेबर्स इंडस्ट्रियल मॉडल आप लोग वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ सेटलमेंट के टॉपिक्स और साथ ही साथ में जो रिटेल ट्रेड मॉडल, ग्रेविटी मॉडल, सिस्टम्स अप्रोच है, इन सबको एक बार जरा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आराम रहे और चीजें जो है वो रिवाइज्ड फॉर्मेट में ही रहे। तो फटाफट जरा स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर के। सबसे पहले अगर बात किया जाए हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया में, तो यहां पर देखिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में बेसिकली तीन कैटेगरीज होती है। वन इज द प्राइमरी, एक होती है जो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और सेकेंडरी के बाद फिर आपकी टर्शियरी हो जाती है। हालांकि इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक क्वार्टरनरी होती है, क्विनरी होती है, तो इस तरीके से अलग अलग डेवलपमेंट जाती है। लेकिन अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो बेसिकली यही तीन निकल के आती है। प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स केवल होते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल से प्रॉब्लम ये होती है कि इफ इन केस वी स्टार्ट इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, Obviously, ये जो है एक बैड अफेयर, ये गलत है क्योंकि रॉ मटेरियल को आप अगर आप प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू डू नॉट ओन द मशीनरीज। अगर आपके पास मशीनरी रहेगी ऑब्वियसली इस रॉ मटेरियल का आप इसका
वैल्यू एडिशन करेंगे, नेक्स्ट वर्जन निकाल करके लेके आएंगे। इस वजह से काफी जरूरी होता है एक कंट्री को, एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री में बदलने के लिए मेकेनाइजेशन। और ये जो मेकेनाइजेशन होती है अल्टीमेटली यही मेकेनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर में लेकर के जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूरोपियन कंट्री हिस्ट्री में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी और उसके बाद से वर्ल्ड के हर एक एरिया में स्प्रेड कर गई थी। इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी और साथ ही साथ में जो जापान की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी, वहां पर एक बेसिक डिफरेंस था। इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी वो प्राइवेट बेस्ड थी, जबकि जापान में वही गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थी। सिमिलरली वही फ्रांस में भी आपको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री में कंप्लीट किया होगा। लेकिन खैर, इन सब में अगर देखेंगे तो वन थिंग इज द कॉमन थिंग, इट डजंट मैटर वेदर इट हैज स्टार्टेड और कंट्रोल्ड थ्रू प्राइवेट मीडियम और थ्रू गवर्नमेंट मीडियम। द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द इनिशिएशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ द नेशन। जैसे डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है तो इट हैज कन्वर्टेड इनटू डेवलप्ड नेशन। तो एक ये जो शार्प चेंज होती है वो केवल एक ही माध्यम होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से फायदा ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या कह लीजिए जो आउटपुट होता है वो कई टाइम्स मल्टीपल टाइम जो होती है वो बढ़ जाती है। इस मल्टीपल टाइम पे बढ़ने के कारण ऑब्वियसली आपकी डिमांड जो है अकॉर्डिंगली आपकी बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन काफी अच्छी होती है। और इस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से दो फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि सोशल बैलेंस बनना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ में इकोनॉमिक बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। तो यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि देखिए, दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बेसिकली कंसीडरिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन हैंड। तो दोनों साथ साथ में चल रहा होता है। लेकिन अगर यही इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्री हैंड दे दिया जाए तो ऑब्वियसली ये जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाती है। तो दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द मॉनिटरिंग थिंग। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वही एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाएगी। और इसी वजह से हमें कुछ पॉलिसीज की जरूरत होती है, दैट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो वन बाय वन करके आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते जाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहां पर देख लिया जाए तो दिस इज बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता था अपने कॉटेज इंडस्ट्री और साथ ही साथ में हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, इंडिया अपने प्री हिस्टोरिकल टाइम पे अगर बात किया जाए तो प्री हिस्टोरिकल टाइम में आपको पता है चाहे वो इंडस हो, चाहे वो वैदिक सिविलाइजेशन हो, चाहे मौर्यन एज हो, या इनफैक्ट इसके बाद में जितनी भी डायनेस्टीज आई है लाइक गुप्ता डायनेस्टी एंड ऑल दैट, जितनी भी डायनेस्टीज आई है, इन सारी डायनेस्टीज में वन थिंग वॉज कॉमन दैट इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परस। इनफैक्ट गोल्ड बहुत ज्यादा, गोल्ड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्रॉस्परस बहुत ज्यादा थी, मतलब प्रॉस्पेरिटी बहुत थी। इसकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए जितने भी अरब रूलर्स थे या कह लीजिए कि अरब जो मर्चेंट्स थे वो बेसिकली इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट इंडिया में लूट होनी शुरू हो गई और अल्टीमेटली इंडिया को फिर लूटना शुरू हो गया था। इसी लूटने में, इसी एक्सप्लॉयटेशन में जो कोलोनियलाइजेशन है वो भी कहलाता है, कोलोनाइजेशन कहलाता है। और इस तरीके से पूरी जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो धीरे 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 सेटअप होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए सेटअप होना शुरू होती है। तो यही चीज यहाँ पर बोली जाती है कि इंडिया में चूंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा पाई जाती है तो इस कारण से कॉटेज इंडस्ट्री काफी अच्छी डेवलप हुई थी। और बाकी जितनी भी छोटी मसलिन हो गया या फिर आपके सिल्क हो गई, गुड्स एंड आर्टिस्टिक पॉटरी वॉज इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके बाद से फिर आता है लेटर फेज एंड दैट इज द कोलोनाइजेशन फेज। और यहां पर इंग्लिश आते हैं और इंग्लिश आने के बाद फिर ऑब्वियसली जो यहाँ की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उसमें फिर डीके देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो जाता है तो इंडिया को केवल और केवल रॉ मटेरियल के लिए रखा जाता है और इस रॉ मटेरियल दैट इज अ कॉटन, कॉटन यहां से भेज दिया जाता है इंग्लैंड में और वहां पर फिर मशीन्स के द्वारा जो भी क्लोथिंग्स या जो भी कॉटन क्लोथ वगैरह बनाना है वो बना करके इंडिया में डंपिंग करना शुरू कर दिया जाता है। इसे होता क्या है कि इंडिया में
जो रॉ मटेरियल है वो पूरा का पूरा ड्रेन हो जाता है, जिसके कारण से जो वेल्थ इंडिया में डेवलप हो सकती थी वो अब नहीं डेवलप हो पा रही थी। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट इंडिया अगेन एक्सप्लॉइट होते गया और एक समय कंडीशन यही हो गई कि फिर जो एक समय होता है कि रिच बंदा जब वो उसका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू होता है तो ऑब्वियसली वो अब एक पुअर कंट्री में बदल जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी दैट नो इंडस्ट्री कुड बी डेवलप्ड इन इंडिया बिफोर 1854। अब 1854 में भी यहां पर जब रेलवेज बना दिया गया था तो उसके बावजूद भी यहां पर जो मेन इनका जो फोकस था वो अगेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रॉ मटेरियल ही था। इनफैक्ट इन इंडिया रेलवेज वर डेवलप्ड टू एक्सप्लॉयट मोर इफेक्टिवली, इस वजह से रेलवेज जो होती है वो डेवलप की गई थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया वॉज स्टंटेड एंड स्लो। लेकिन धीरे धीरे यही होता है कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं और यहां पर भी धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज आता है और इस तरीके से जो पहली इंडस्ट्री सेटअप होती है वो होती है कॉटन और जूट मिल्स की इंडस्ट्री। और वो बेसिकली जो कॉटन है वो ऑब्वियसली ब्लैक जो सॉइल है वहां के एरिया में, दैट इज द मुंबई या गुजरात, वहां पर डेवलप की जाती है। और जो जूट इंडस्ट्री है वो कोलकाता में डेवलप की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बांग्लादेश, जो आज की डेट का बांग्लादेश है, वो एक्चुअली काफी ज्यादा जूट प्रोडक्शन होती है यहां पर और इसी वजह से कोलकाता में यहां पर रखा गया था इंडस्ट्री। देखिए जब भी आप देखेंगे यहां पर वन थिंग इज कॉमन कि ये सारी जितनी भी एरियाज यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था वो पोर्ट एरिया थी। उसके पीछे रीजन यही था कि पोर्ट से ये लोग ट्रांसपोर्ट सस्ते में और आसानी से कर सकते थे, इसीलिए जितने भी फोर्टिफिकेशन, इनफैक्ट अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ाई करेंगे, आपके सिलेबस में आती ही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ये दो, ये तीन एरिया बेसिकली थे जो शुरुआत के दिनों में कैप्चर किए गए थे। इसके पीछे रीजन यही था कि सारे एरिया जो है वो पोर्ट एरिया थे। इनफैक्ट अगर पोर्चुगीज का भी देखेंगे चाहे फ्रेंच का भी देखेंगे तो सब वही एरिया केवल कैप्चर किए थे जो पोर्ट एरियाज थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे आपकी तुतीकोरन हो, चाहे मुंबई हो, कांडला हो, कोलकाता हो, वाइजैग हो, कोई भी हो, इनफैक्ट पॉन्डिचेरी, सबके सब वही थे जो बेसिकली कॉमन थिंग इज द पोर्ट थिंग। इंडस्ट्रीज गॉट एस्टैब्लिश्ड बट विद द टाइम दे क्लोज डाउन, लाइक फर्स्ट आयरन इन हिस्ट्री इंडस्ट्री, ये ओपन तो किया गया था तमिलनाडु में लेकिन अगेन क्लोज कर दिया गया था 1886 में। ऑब्वियसली मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे, और इनफैक्ट आपको पता होगा कि फर्स्ट लेबर लॉ लेते आया गया था 1881 में ही और उसके बाद से फिर रिवाइज किया गया था, लेकिन ये लेबर लॉ इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट था जिसके कारण से डेथ बहुत ज्यादा होती थी और उस कारण से अगेन यहां पर एक समय आएगा कि अब इंडस्ट्रीज जो है वो क्लोज डाउन कर ही दी जाएंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर भी डेवलपमेंट होती है और फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डेवलप होती है वो मुंबई में 1854 में होती है और उसके बाद से जूट मिल जो होती है वो कोलकाता में 1855 में होती है। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील मिल जो बंगाल में डेवलप की गई थी वो 1874 में की गई थी, बट अगेन जो होता है इसको शट डाउन कर दिया गया था 1881 में। द रियल डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1908 व्हेन अ स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट जमशेदपुर। इनफैक्ट इसी के बाद से जो हम लोग आज की डेट में देखते हैं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल जो भी चैम्बर्स होती है, तो बेसिकली इसी समय डेवलप की गई थी। और यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन थे, चाहे वो बिड़ला हो, चाहे वो टाटा हो, ये लोग बेसिकली इंडिया के भी डेवलपमेंट में फोकस कर रहे थे, इंडिया के डेवलपमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल पेपर मिल स्टार्टेड एट बालीगंज सर्कुलर रोड इन कोलकाता इन 1870। टू पेपर मिल्स इन कोलकाता एंड वन इन लखनऊ स्टार्टेड इन 1905। इट वॉज इन 1870 वेन द वुलन टेक्सटाइल मिल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन बैंगलोर, दैट इज कर्नाटका, धारीवाल। इनफैक्ट धारीवाल की आप लोगों ने देखी होगी कि बहुत सारे वुलन क्लोथ्स आते हैं। एंड कानपुर, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। ये जो धारीवाल है बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें तो लुधियाना में पड़ता है, दिस इज इन लुधियाना, और लुधियाना में इसकी डेवलपमेंट मतलब इसकी प्रोडक्शन भी की जाती है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो फैक्ट्स हैं वो याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, हालांकि याद रखेंगे तो इट विल गिव यू हेल्प इन योर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस। लेकिन अगर ज्योग्राफी वाइज बात किया जाए तो देखिए इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल दो तीन फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, लेकिन कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन लिखने में काफी हेल्प करते हैं।
तो इस वजह से इन सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है इसको ध्यान में रखिएगा। आगे अगर बात किया जाए तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज गॉट अ गुड बूस्ट एज इंडिया बिकेम द मेजर सप्लायर ऑफ कॉटन एंड उलन टेक्सटाइल्स एंड लिकर्स। गवर्नमेंट गेव प्रोटेक्शन टू सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्राइसिस सिचुएशन हो गई और इंडिया भी जो है अगेन फेल डाउन ड्यू टू डिक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट भी इंडिया में हो चुका था, लैक ऑफ कैपिटल था, ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स थी, जिसके कारण से अगेन जो होती है जो इंडस्ट्रियल सिचुएशंस इन इंडिया थी उसका स्टेटस लगातार गिरते जा रहा था। एंड इन फैक्ट आफ्टर द पार्टीशन इन 1947 दिस गेव अ बिग ब्लो टू जूट इंडस्ट्री। क्यों जूट इंडस्ट्री को? क्योंकि जितनी भी रॉ मटेरियल्स थी वो तो बांग्लादेश से आती थी और उस समय का वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया और जितनी इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी कोलकाता में ही रह गई। अब जो इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल मिलने वाला है नहीं और जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी की पूरी शट डाउन हो जाएंगी। तो इस वजह से काफी ज्यादा एक बिग ब्लो मिला था जूट इंडस्ट्री को, इसके साथ ही साथ कॉटन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी क्योंकि जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ द कॉटन है वो सिंध के प्रोविंस में इनफैक्ट पाकिस्तान में चले गए थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल और रॉ मटेरियल के बीच में जो लिंक होती है वो डिस्टर्ब हो गई थी और इसी डिस्टर्बेंस के कारण से ही यहां पर जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। इनफैक्ट आप लोगों ने रॉ मटेरियल को लेकर के वेबर थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है। वेबर थ्योरी में आप लोगों ने देखा हुआ है कि जब भी कोई दो रॉ मटेरियल वाले एरियाज हैं और दोनों अगर इंपॉर्टेंट, दिस इज रॉ मटेरियल वन रॉ मटेरियल टू, इफ बोथ आर इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री विल बी डेवलप्ड एट द सेंटर ऑफ दीज टू, मतलब कि जो लाइन है इसका बाइफ्रिकेशन होगा वहीं पर जो है इंडस्ट्री डेवलप होगी। अगर मान लीजिए कि तीन हो जाती हैं तो ऑब्वियसली इन तीनों का जो सेंट्रॉयड होता है वहां पर जो है वो बन जाती है इंडस्ट्री। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्री। ऑब्वियसली इफ द लिंक गो डिस्टर्ब तो फिर इंडस्ट्री भी जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और क्यों? क्योंकि पॉलिसी हमें क्यों जरूरी थी? क्योंकि बहुत सारी मिसमैनेजमेंट थी और हम लोग अभी उस एरा से निकल करके आए थे, उस टाइम से निकल के आए थे जहां पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि इट वॉज द प्राइम थिंग और इस वजह से हमें पॉलिसीज ले आना काफी जरूरी हो गया था। एंड दिस हैज लेड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच द स्टेट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइज वर अलाउड टू को एग्जिस्ट एंड को प्रॉस्पर इन द फील्ड डिमार्केटेड फॉर देम। हालांकि उस समय प्राइवेट की जो कह लीजिए कि सेक्टर्स थे वो काफी लिमिटेड थे और उनके ऊपर में बहुत ज्यादा ही कंडीशंस लगा करके रखी गई थी, रेगुलेशंस काफी ज्यादा थी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट वाला जो एक फंडा है वो दब के रह गया था और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट ओनरशिप जो है वो प्राइवेट के ऊपर में डोमिनेट कर रही थी। दिस रेजोल्यूशन डिवाइडेड द इंडस्ट्री बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये बेसिकली दो सेक्टर्स यहां पर डिवाइड हो गए थे। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि आखिर में इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह कैसे हुई थी और हम लोग ये देखेंगे फाइव ईयर प्लान्स के बेसिस पे। देखिए अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको जैसे मैंने दिखाया हुआ है वैसे ही आप लोग डेवलप करिएगा, वैसे ही आप लोग तैयार करिएगा। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में इस पूरे के पूरे फाइव ईयर प्लान्स को आप पढ़ते हैं लेकिन वो इकोनॉमिक्स वाइज पढ़ रहे होते हैं, मतलब वहां पर आप जो है ग्रोथ रेट और अचीवमेंट रेट इनके बारे में देख रहे होते हैं और इनकी कंपैरिजन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होते हैं कौन सा मॉडल है, वेदर इट इज हैरोड डोमर मॉडल और महालानोबिस मॉडल और नोरोजी मॉडल। तो अलग अलग मॉडल्स होते हैं बट हमें इस ज्योग्राफी में इतने रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें सिर्फ देखना है कि आखिर में डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। इफ इनकेस अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया में सिंस इंडिपेंडेंस उसकी जो है एक पूरी स्टेटस लिखिए, तो आपको ये सारी चीजें दिखानी होंगी। अब अगर मान लीजिए कि इनकेस अगर बोलता है कि क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है उसमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है तो आप कैसे दिखाएंगे? तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पर थोड़ा सा कंटेम्प्ररी नेचर का अगर आपको क्वेश्चन लगे तो आप उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप डिवाइड कर सकते हैं ग्रोथ के फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा जो है प्रेफर्ड नहीं होगा। इसके बजाय अगर आप इसको
प्री 1991 रिफॉर्म और पोस्ट 1991 रिफॉर्म अगर करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्री 1991 रिफॉर्म जो है वो कुछ अलग ही सिस्टम चलता था, यहां पर जो है काफी ज्यादा कंडीशंस, रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग थी। लेकिन वही पोस्ट 1991 के बाद से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड दिस ग्लोबलाइजेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। इनफैक्ट इन द रिसेंट टाइम ऑल्सो वी आर इनकरेजिंग द ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बस वही चीज है, इस तरीके से आप डिवाइड करके काफी अच्छा एक आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट बाकी हम लोग देखेंगे भी पास्ट ईयर जो डिस्कशन क्वेश्चन आंसर का किया जाता है सैटरडे को, तो वहां पर हम लोग फिर से देखेंगे कि आखिर में क्या क्वेश्चंस हैं और हाउ टू राइट दोज आंसर्स। फिलहाल आते हैं जरा फाइव ईयर प्लान में। अगर देखें तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जहां पर इंडिया अभी तुरंत तुरंत जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, और इस इंडिपेंडेंट होने में ऑब्वियसली लोगों को बहुत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेनी पड़ी थी। उसके पीछे रीजन यही था क्योंकि उस समय का जो माइंडसेट था वो यही था कि इफ इन केस, देखिए उस समय की कंडीशन यह थी कि जापान जो है वो काफी ज्यादा इस समय अटैकिंग मोड में था, तो जापान को लेकर के काफी ज्यादा एक डर था कि इन केस अगर हम इस सिस्टम मतलब कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं अपनाते हैं तो हम लोग फिर जापान की कॉलोनी बन सकते हैं, और इस वजह से अगेन जो है एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लोगों के मन में बनी हुई थी, और इसी कारण से अगेन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ली भी गई थी। तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो डेवलपमेंट किया गया था वो किया गया था पहले खाना बना लेते हैं, दैट इज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। Therefore, emphasize was increasing capacity of the then existing industries rather than establishment of new industry. तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया था, बस ये कहा गया कि जितनी भी इंडस्ट्री हमारे पास अभी मौजूद है हमें उन्हीं को फोकस करना चाहिए, कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। तो काफी अच्छा मैं कहूंगा कि उस समय का स्टेप है, बिकॉज व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो इट टेक्स फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स टू गेट एग्जैक्टली वॉट टू डू वेन यू आर इन गवर्नमेंट। तो इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो इनफैक्ट ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इफ इन केस अगर आपको एनालिसिस करने को आ जाती है देन आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंड फाइव ईयर प्लान में अब क्या होता है कि अब लोगों को एक आइडिया लग गया, एक समझ में आ गया, इनफैक्ट वो अपने भी इकोनॉमिक स्टैट्स जो है वो बना लिए। बनाने के बाद ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि वी नीड टू फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज बिकॉज This heavy industry is going to give or create new employment opportunities. और इस तरीके से employment opportunity के द्वारा हम लोग socio economic और human development कर सकते हैं। तो इस concept के basis पे यहाँ पर लोगों ने, यहाँ पर जो हमारे उस समय के जो political leaders थे, they focused and they put great emphasis on the establishment of heavy industry during the second five-year plan. सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस इन 1956, और उसी के बेसिस पे जो है इनका जो मेन फोकस था, द मेन थ्रस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज ऑन आयरन एंड स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, लिग्नाइट प्रोजेक्ट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ये बेसिकली उस समय का मेन फोकस एरिया था। फिर उसके बाद से जब थर्ड फाइव ईयर प्लान आता है तो अगेन देयर वॉज एम्फसाइज ऑन द एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, फॉसिल फ्यूल एंड पावर एंड मशीन बिल्डिंग। मशीन बिल्डिंग, लोकोमोटिव, रेलवे कोचेस, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और ये सब जितनी भी चीजें थी वो बेसिकली थोड़ा सा स्पेशल फोकस दिया गया, उनको थोड़ा सा ठीक ठाक प्रोग्रेस दिया गया था। आगे अगर फोर्थ फाइव ईयर प्लान में बात किया जाए तो यहाँ पर अब लोगों में एक पॉवर्टी काफी ज्यादा फैल गई थी। इस पॉवर्टी के कारण से फिर अल्टीमेटली जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी चीजों पे फोकस किया गया जो हाउसहोल्ड गुड्स के रिलेटेड हो। तो हाउसहोल्ड गुड्स में क्या आ जाती है, जैसे शुगर हो गई, जूट हो गई, वनस्पति हो गई, तो ये सब हाउसहोल्ड आइटम्स पे फोकस किया गया एंड देयर वाज मच एम्फसाइज ऑन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इट वाज ड्यूरिंग दिस प्लान व्हेन मच प्रोग्रेस वाज मेड इन एलॉयज, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड, मशीन टूल, ट्रैक्टर्स एंड स्पेशल इफर्ट्स। यहां पर देखिए एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी, पहले जब आइडिया नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप एक ब्रॉड स्केल पे काम कर रहे होते हैं। इस ब्रॉड स्केल पे काम करने का मतलब यही होता है कि केवल और केवल आप स्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, लाइक इन योर आंसर ऑल्सो फर्स्टली यू डू द स्ट्रक्चरिंग थिंग। स्ट्रक्चरिंग के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि भाई कौन कौन से एरियाज हैं, कहां पर हमें काम करने की जरूरत है, कहां पर हम काम करेंगे, कितना काम करेंगे तो कितने लोगों को फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने फिर इसका डिवीजन कर लिया और इस डिवीजन के बाद अब एक
नैरो फॉर्मेट में डेवलपमेंट की, अपनी एक ऑब्जेक्टिव और अपना एक डिटेलिंग, अपना एक रिपोर्ट बनाया गया। और उसी तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मैकेनाइजेशन, फिर उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर ऐसी इंडस्ट्री को फोकस किया गया जो एग्रीकल्चर को फोकस करे, लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके बाद से हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्री या फिर आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को फोकस किया। अब मैकेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी मेटल्स रहे, और मेटल्स के लिए अलॉयज बनाना अगेन इंपॉर्टेंट है, तो वो काम यहां पर बेसिकली किया जा रहा है अगर आप देखेंगे तो। फिर उसके बाद से आती है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। द मेन स्ट्रेस इन दिस प्लान वॉज ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ स्टील प्लांट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आर्टिकल्स एंड गुड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कंजम्पशन। स्टील प्लांट एट सेलम, विजयनगर एंड वाइजैग वर प्रपोज्ड टू क्रिएट एडिशनल कैपेसिटी। इसके अलावा सेल भी कंस्टिट्यूट कर दी गई एज फॉर्मेट ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसको पीएसयू भी बोल सकते हैं। 6-5 ईयर प्लान फिर आती है, और यहां पर जो है वो मेन इम्फेसाइज था ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स टू एक्सप्लॉइट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। मतलब ऐसी चीजों को आप पकड़िए जिसका आप एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा जो है वो मनी अर्न कर सकते हैं। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड थर्मोस्टैट्स वर गिवन द प्रायोरिटी। तो हम लोगों ने उन चीजों को फोकस किया जैसे लाइक एल्यूमिनियम, दिस इज वेरी अबंडेंट इन इंडिया, और इस वजह से हम लोगों ने इस पे फोकस किया। ऑल दो यहां पर काफी ज्यादा वेस्टेज निकल जाती है, जब भी हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्ट करते हैं या इसकी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो काफी ज्यादा इसमें वेस्ट निकल जाता है, जिसके कारण से अगेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया था। फिर आती है 7th 5 ईयर प्लान, और यहां पर अब हम लोग और स्पेसिफिक होना शुरू हो गए। यहां पर मेन थ्रस्ट जो 7th 5 ईयर प्लान का था वो था हाई टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्स एंड प्रॉपर ट्रेनिंग वर द प्रेफरेंसेस एरियाज ऑफ द प्लान। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि दिस इज मेक इन इंडिया टाइप ऑफ प्रोग्राम, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया जैसे आज की डेट में चल रही है वैसे ही उस समय भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा कि आपको स्किल देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इज नॉट अ टुडेज एजेंट, आज की डेट का ये कोई फोकस, आज की डेट का नया प्रोग्राम नहीं है, बहुत पहले का है। जस्ट लाइक गंगा रिवर रिव्यूजुवेनेशन जो है, गंगा रिवर क्लीनिंग 1976 से चला आ रहा है, बट खैर गंगा जी तो अपने आप ही साफ हो गई है। 8-5 ईयर प्लान में आता है, तो देयर वॉज अ मेजर चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज इनिशिएटेड इन 1991, और यहां पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला था। और इस बड़े चेंज में यही था कि अब कंडीशन ऑफ द इंडिया काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वर्ल्ड की जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड फॉर्मेट में थे, यूएस काफी ज्यादा ग्रो कर गया था और रशिया जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसके अलावा गल्फ में वॉर चल रही थी जिसके कारण से जो पेट्रोल प्राइस है वो काफी ज्यादा हाइक्ड हो गए थे, और इस्लामिक स्टेट्स यानी शिया सुन्नी वाली जो वॉर थी वो काफी ज्यादा चल रही थी। तो इस कारण से यहां पर बहुत ज्यादा ही टफ सिचुएशन थी इंडिया की, लेकिन फिर भी इंडिया ने किसी तरीके से सरवाइव किया। यहां पर अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, इनफैक्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी लाइक कंडीशंस आ गई थी, बट स्टिल उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे कि इंडिया अब धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ा। और ये बेसिकली जो प्रोग्राम था वो था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसी को बोला जाता है मेजर चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि 1991 में स्टार्ट हुई थी। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज एडॉप्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन मल्टीनेशनल्स, एम्फेसाइज वॉज गिवन ऑन द रिमूवल ऑफ रीजनल इम्बैलेंस एंड इनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल एंड टाइनी सेक्टर्स। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जो यहां पर दिमाग लगाया गया वो ये दिमाग लगाया गया है कि करेगी सब कुछ गवर्नमेंट, बस आप फंडिंग देते रहिए, और इस फंडिंग देने में आपको हम जो फायदा होगा उसका शेयर देते रहेंगे। तो ये बेसिकली एक फंडिंग के फॉर्मेट में अब जो आज की डेट में FDI, FPI या FII का कॉन्सेप्ट होता है वो इसी 1991 प्लान से ही जनरेट हुआ है। इनफैक्ट अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जितने भी PSUs हैं या जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उन सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और इस प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम अपना जो 15% का स्टेक है ये जरूर हम सेल कर देंगे, लेकिन जो यहां पर मैनेजमेंट वाली बात होती है, हम मैनेजेरियल जो पावर है वो हम लोग नहीं सेल कर रहे हैं, वी आर नॉट सेलिंग द मैनेजेरियल पावर।
जो मैनेजमेंट का काम करना है, जो डिसीजन मेकिंग करनी है, वो आज भी हम ही करेंगे. इट डजंट मैटर वी होल्ड द 51% शेयर और नॉट. अगर हमारी 51 मतलब 49% शेयर या उससे कम शेयर है, फिर भी जो मैनेजमेंट की पावर है वो भी हमारे ही पास रहने वाली है. देखते हैं इसके क्या रिपरकशंस आगे निकल करके आते हैं. बिकॉज इन इकोनॉमी यू कैन नॉट जस्ट मेक एनी प्रेडिक्शन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. चलिए खैर, इसके बाद जब आगे नेक्स्ट प्लान्स आते हैं, दैट इज द फाइव ईयर प्लान. यहां पर जो मेन इंफोसाइज किया गया वो ऐसी इंडस्ट्रीज पे किया गया जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाए और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सके. लाइक सीमेंट हो गई, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कस्टमर गुड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी एंड क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स. इस रिफाइनरी से हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि हम लोग पेट्रोल क्रूड ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगा करके हम लोग इसको रिफाइन करके फिर आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं. इनफैक्ट जितने भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखेंगे ये सारे के सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट बनाया गया था. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में फायदा ये होता है कि आपको जो फॉरेन करेंसी होती है वो तुरंत मिलती है और तुरंत मिलने से यही आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो इंप्रूव कर जाती है. तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया था वो एलपीजी के कितना अच्छे से आप फायदा निकाल सकते हैं उसी को बेसिकली फोकस किया गया था. इनफैक्ट इस समय आईआर में आप लोग पढ़ते भी होंगे, गुजराल डॉक्ट्रिन आया था, लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी और कोशिश ये की गई थी कि फॉरेन के लोग इंडिया में किसी भी तरीके से आए. और इस आने के बाद ऑब्वियसली अगर वो आते हैं तो इंडस्ट्रियल सेटअप होगी ही होगी. अगर इंडस्ट्रियल सेटअप होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो लोकल जॉब्स मिलेंगे ही, और अगेन सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. तो मेन जो की एजेंडा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ही है. इसी को आपको घुमा फिरा करके देखने को मिलेगा. आगे बात किया जाए 10th फाइव ईयर प्लान में, द मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट. तो बस वही चीज है कि आपने ऐसे गुड्स बनाए ही, डेवलप ही किए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. तो टू इनहांस द एक्सपोर्ट एंड टू इंक्रीज ग्लोबल कंपेटिटिवनेस एंड टू अचीव द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये तीन जो है मेन इसके फोकस एरिया थे. जहां पर आप अपग्रेडेशन की ओर बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ में बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है. यहां पर आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि इन्वायरमेंटल बैलेंस करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो 1992 से थोड़ा सा फोकस में आया था, लेकिन डेवलप्ड नेशन के लिए केवल फोकस में आया था क्योंकि अगेन वही लोग ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ऑल दैट बहुत सारे जो है वो साइन किए गए थे, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस थे जस्ट लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनको एक अभी एक स्पेस दिया गया कि आप अभी डेवलपमेंट कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द एनवायरमेंटल कंसर्न. तो आपको इस चीज की अभी जरूरत नहीं है. लेकिन फिर वही 11th फाइव ईयर प्लान और 12th फाइव ईयर प्लान में अब धीरे धीरे अब ये प्रेशर बनना शुरू हो गया था. इनफैक्ट प्रेशर का मतलब ये हो गया कि अब एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है, ये सारी चीजें जो होती है वो सामने आना शुरू हो गया और अल्टीमेटली इंडिया पर भी एक फोकस, इंडिया पर भी एक प्रेशर बनाया गया कि आप अब एनवायरमेंटल कंसर्न को देखना पड़ेगा, जिसे हम 12th फाइव ईयर प्लान में देख भी सकते हैं. 11th फाइव ईयर प्लान के बारे में बात किया जाए तो दिस प्लान डॉक्यूमेंटेड इन टाइटल, यहां जो थीम थी वो थी टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. क्योंकि जब तक ये ग्रोथ अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड तक नहीं पहुंचेगा, लोकल पीपल तक नहीं पहुंचेगा, तो इस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है. जस्ट लाइक अगर बात किया जाए, गवर्नमेंट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द जीडीपी. हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जीडीपी में फिफ्थ कंट्री पहुंच गए हैं. इस फिफ्थ कंट्री का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है. दिस इज जस्ट अ बोस्टिंग बाय द गवर्नमेंट ओनली, बिकॉज व्हेन यू डिवाइड दिस जीडीपी विद द पर कैप जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग 130th पोजीशन पे है. तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 204 कंट्रीज अगर पूरे वर्ल्ड में है, उसमें हम लोग 130-140वें नंबर पे हैं, तो हम लोग कहीं पर भी लाई नहीं कर रहे हैं. एंड वी आर कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद द बिगर नेशंस लाइक यूएस एंड ब्रिटेन. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अभी अपनी कमी को नहीं मानती है और हमेशा ये जीडीपी एक बड़े आंकड़े को दिखा करके कहीं ना कहीं बॉस्टिंग कर रही होती है. वो दिखा रही होती है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने डेवलपमेंट किया हुआ है, बट डेवलपमेंट का एक्चुअल जो मेजर है वो आपको देख सकते हैं कैसे देखने को मिल रहा है. तो यही रीजन था कि आप पेनेट्रेशन केवल और केवल 11th फाइव ईयर प्लान में यही देखने को मिला कि हमें जो है वो लोकल लोगों तक, मतलब थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट तक हमें जितने बेनिफिट्स हैं वो देने की जरूरत है.
और इसीलिए प्रायोरिटी दी गई थी एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर सोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, और इसके साथ ही साथ में जितने भी डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी है। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब जो एससी एसटीज है या ओबीसीज है या माइनॉरिटीज है या वुमेन है या फिर चिल्ड्रेन है, तो इनके ऊपर में बेसिकली फोकस किया गया। और ये कहा गया कि अगर ये लोग जो डिप्रेस्ड क्लास है, इफ इन केस ये इंप्रूव होती है इनकी कंडीशन, तो ऑब्वियसली अगर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स विल एड इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। फिर वही फाइव ईयर प्लान आता है, सेकंड 12th फाइव ईयर प्लान आता है, और उस 12th फाइव ईयर प्लान में अब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी सामने, मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी अब शामिल कर लिया गया था। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो होती है वो ला दी गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो थीम था वो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर फोकस हो गया था। वो इसीलिए हो गया था कि 2012 ऑनवर्ड्स जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थी, उसमें पॉलिसी चेंजेस किए गए थे, और वहां पर इंडिया भी अपने आप को जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्लेयर के रूप में सामने लेकर के आया था। और यहीं से इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस निर्धारित कर दिया गया था। तो ये बेसिकली 12th फाइव ईयर प्लान थी, जो बेसिकली 2017 तक ही केवल और केवल जानी थी, लेकिन इसको दो साल और एक्सटेंड कर दिया गया, 2019 तक ये गई थी। और अल्टीमेटली बाद में फिर नीति आयोग तो आ ही चुका है, आपको पता ही है। और नीति आयोग अपने एजेंडा में अभी तक जो है सच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कुछ खास बड़ी खबर नहीं है। तो यहां पर आप अगेन इंक्लूड करना चाहे तो आप नीति आयोग के जो भी डेवलपमेंट्स किए गए हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट एज सच कोई बड़ा कदम नहीं है इसलिए यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन अगेन दिस इज वेरी कंटेम्प्रेरी टॉपिक, और हमेशा आपको करंट अफेयर्स के ही नजर में देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते रहना पड़ेगा। तो इसको हमेशा अपडेट करते रहिएगा, इनफैक्ट इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो द अपडेटेड पार्ट विल बी आस्क्ड, तो इस वजह से अपडेशन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देख लिया जाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के कि आखिर में कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और क्या हुई है, तो आप लोगों को पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिसको कि बाद में 1956 में वापस से रिवाइज किया गया था। हालांकि इस पॉलिसी में काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स टाइम के साथ में किए जा चुके हैं, कई सारी चीजें की गई हैं, और इनफैक्ट हमेशा की भी जाती हैं। तो इस वजह से अगेन दिस इज अ वेरी कंटेम्प्रेरी टॉपिक, करंट अफेयर्स के साथ में इसको लगातार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1948। इन दिस पॉलिसी बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर इन्वॉल्व टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इस तरीके से बेसिकली चार तरीके से इस पूरे के पूरे सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया। एक थी जहां पर एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली थी, जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन हो गया, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गई, और साथ ही साथ में रेलवेज। इनफैक्ट अगर आप देखें तो दिस इज, अगर शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो ये यूनियन लिस्ट में सारी की सारी चीजें हैं, जहां पर यूनियन पूरी चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। हालांकि डिफेंस वगैरह भी आ जाता है, लेकिन डिफेंस को आप अगर आप देखेंगे तो रिसेंट के टाइम पे वहां पर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अब स्टार्ट की जा रही है। दूसरा जो कैटेगराइजेशन देखा जाए तो स्टेट मोनोपोली फॉर न्यू यूनिट्स, जैसे कि कोल हो गया, आयरन स्टील हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप बिल्डिंग हो गई, टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग, टेलीग्राफ और जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं, वहां पर स्टेट मोनोपोली तो जरूर है, मतलब यहां पर जो है एक तरीके से अंडरटेकन ओनली बाय द स्टेट, बट हियर ऑल्सो प्राइवेट प्लेयर कैन कम। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं वो स्टेट के साथ में मिलकर के काम कर सकते थे, लेकिन अगेन स्टेट की मोनोपोली यहाँ पर भी रहेगी। इसके अलावा स्टेट रेगुलेशंस फॉलो किया गया था। दिस कैटेगरी इंक्लूडेड इंडस्ट्री ऑफ सच बेसिक इंपॉर्टेंस लाइक मशीन टूल्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, नॉन फेरस मेटल, रबर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट, बाकी चीजें जो होती है यहाँ पर भी जो है स्टेट चाहे तो रेगुलेट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर की एंट्री थी। और लास्टली प्राइवेट इंटरप्राइज के बारे में, तो जो कुछ भी बच गया वो सारा का सारा प्राइवेट इंटरप्राइज में चला गया था। यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर सकते थे, प्राइवेट एक कंपनी के फॉर्मेट में कर सकते थे और कोऑपरेटिव के फॉर्मेट में कर सकते थे। हालांकि कोऑपरेटिव ज्यादा कुछ काम कर नहीं पा रही थी क्योंकि इनको कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं मिले थे, जिसके कारण से 2011 में इनको कोऑपरेटिव एक्ट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दी गई, जिससे कि इनको
कुछ पावर्स दे दी गई थी और इस तरीके से कई सारे और भी चेंजेस किए गए, लाइक पार्टनरशिप एक्ट लाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चीजें लेकर के आई गई, प्राइवेट प्लेयर के लिए अपनी प्राइवेट चीजें होती है पार्टनरशिप, तो बहुत सारी चीजें जो होती है बाद में लॉज वगैरह लिया करके इसको और कह लीजिए कि सुलझा हुआ बनाया गया। लेकिन फिर वही है कि अभी भी जो होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक हिंड्रेंस जरूर रहता है इन द प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1991 के अगर पॉलिसी में बात किया जाए तो मेजर शिफ्ट यहां पर देखने को मिला था, क्योंकि यहां पर आफ्टर एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी। द मेन नेम ऑफ द पॉलिसी वॉज टू अनशैकल द कंट्रीज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फ्रॉम द कॉब वेब ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। तो यहां पर जितनी भी लाइसेंस पॉलिसी थी या लाइसेंस राज भी जिसको बोला जाता था उसको हटा दिया गया था। नियर अबाउट सिक्स इंडस्ट्रीज ऐसी थी, नियर अबाउट सिक्स सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट थी, बाकी सारे सेक्टर्स को ओपन कर दिया गया कि आप इंडिपेंडेंटली अपना कर सकते हैं, लेकिन जो भी रूल्स रेगुलेशंस और कुछ जो सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस लेने होते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, मतलब यहां पर गवर्नमेंट जो है वो ओपन रहेगी। एंड इस तरीके से यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दिए गए थे, प्राइवेट प्लेयर या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी उसको भी ओपन कर दिया गया था, यहां पर लोग आ सकते थे। एंड ऑल्सो डोमेस्टिक एंटरप्रेनर को एक फ्री कर दिया गया था फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट जो होती है वो काफी स्ट्रिंजेंट लॉज हुआ करता जहां पर मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एक्ट को रोका गया था। मोर ओवर द पॉलिसी एम्ड एट शेडिंग द लोड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विच हैव शोन अ वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न और इनकर्ड लॉसेस ओवर द ईयर्स। सेलियंट फीचर्स ऑफ 1991 पॉलिसी के बारे में अगर बात किया जाए, एक तो ऑलरेडी आप लोग समझ ही गए हैं यहाँ पर कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको एंट्री दे दी गई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब आना शुरू हो गया था। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक कंसर्न एटॉमिक और इन सब चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों को ओपन कर दिया गया था, लाइसेंसिंग वगैरह वाले जो सिस्टम था उसको हटा दिया गया था। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स अब आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे, गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड को और इनकरेज करने पे लगी हुई थी, मोनोपोली की जो कंडीशंस थी उसको रिलैक्स कर दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के जो रेगुलेशन थी जो फेरा एक्ट थी उसको धीरे से कन्वर्ट करके फेमा एक्ट में कन्वर्ट कर दी गई थी, मतलब रेगुलेशन की जगह आप मैनेजमेंट ले आ दिया गया था, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कर दी गई थी, कंपटीशन कमीशन को देख लिया गया था। तो इस तरीके से बेसिकली कई सारे ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे कि अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेटअप कर पाना आसान हो गया था प्राइवेट प्लेयर के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात किया और इनफैक्ट अगर आप रिसेंट टाइम्स में भी देखेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस को अगेन आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा करंट अफेयर्स के माध्यम से, इसको देख लीजिएगा लगातार जो बने रहते हैं। इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वेश्चन में रिसेंट ईयर से, मतलब रिसेंट टाइम में जो चेंजेस की गई हैं उसी को लेकर के ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।